नमस्ते यू नो मुंबई लेगोस को मैंने यार काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया. नमस्ते नमस्ते. हाउ ग्रेट इंडिया इज. I love India so much. India has become my second home, and the love shown to me is incomparable. India is super duper. हाँ ये आपको दही के कबाब खिला रहे हैं. पेट्रोल यहाँ पे इस वजह से काफी ज्यादा सस्ता है, तो जब मैं पे करने गया तो ये मेरे को पे नहीं करने दे रहा है. हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग. मेरा नाम है तोरवशु. अभी मैं हूँ नाइजीरिया के लार्जेस्ट सिटी लेगोस में. आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं लेगोस पहुंच चुका था भाई के साथ. आज हम लोग निकल रहे हैं लेगोस को एक्सप्लोर करने के लिए. अभी लेगोस जो सिटी सेंटर, वहाँ पहुँचने में ही 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं हम लोगों को. अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आने का वेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू सिटी सेंटर जाने वाले हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. You going to school? Yeah. School. How much time it takes to you to go to school? 30 minutes. From where? I'm from India. Sir. Namaste. Namaste. surrounded. You know Mumbai? Yeah, Mumbai. MTN. MTN. Yeah, MTN. 1,000 for SIM card. 1,000. And then credit. Airtel 1,000. MTN 1,000. Okay. So Airtel का SIM card है, 4G SIM card. मैं यहाँ से SIM card खरीद रहा हूँ शॉप से. सिटी में पहुँच चुके हम लोग. तो भाई 1,000 नायरा का नोट है ये देखो. लगभग 120 रुपये के आसपास आएगा. 850 डिवाइड करेंगे तो जो अनऑफिशियल ब्लैक मार्केट रेट है, 1 नायरा का 850 रुपये. From here? Yeah, we went on that bus. Okay. सुबह का 8 बजे के निकले हुए जहाँ हम लोग रुके हुए थे. अभी हम लोग लेगोस सेंटर पहुँचे हैं. सुबह 11 बज चुके, 3 घंटे लग चुके भाई सेंटर पहुँचने में. अभी भी मेरे यहाँ जाना है अभी 1 घंटे और दूर है. वहाँ पहुँचते वहाँ 12 बज जाएगा. अभी हम लोग ये यार कोई ट्रांसपोर्ट कार्ड लिया है, आई डोंट नो कुछ कॉबरी करके कुछ ऐसा है, इससे हम लोग पूरे लेगोस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं. मैं तो चाह रहा हूँ कि टैक्सी से आने जाने का, लेकिन ये मेरे साथ भाई साहब है, मेरे को टैक्सी यूज़ करने दे नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ. हेलो, हाउ आर यू? आई एम जस्ट शोइंग दिस कार्ड. तो ये जो लेगोस का ट्रांसपोर्ट कार्ड है, ये 400 नायरा का है, अराउंड 50 रुपये. फिर जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस कटेंगे देखता हूँ कितने कटते हैं. अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो पुलिस वालों ने आकर मेरे को रोक दिया, तो बहुत रिकॉर्डिंग यहाँ कर नहीं पा रहा हूँ. भाई इस बस का फेयर है 400 नायरा. 400 नायरा इंडियन रुपीस में 50 रुपये से भी कम. लेगोस में ऐसा पहला कोई एरिया मिला है जहाँ का ट्रैफिक नहीं है. अभी भी जहाँ पहुँचना है पहुँचे नहीं है. लेगोस को मैंने यार काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया कंपेयर टू अदर वेस्ट अफ्रीकन सिटीज़ एंड कंट्रीज़. लेगोस में पूरा दिन टाइम वेस्ट, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस हो गया. लेगोस सिटी जो है ना, वो मेन लैंड और आइलैंड दोनों पे लोकेटेड है. लेगोस सिटी के अंदर पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर काफी सारे आइलैंड्स हैं. नाइजीरिया का नाम नाइजर रिवर से ऑरिजिनेट हुआ है. नाइजर रिवर सबसे एंड में नाइजीरिया में ही आती है, फिर नाइजीरिया से पास होने के बाद गल्फ ऑफ गिनी में जाके मिल जाती है. और नाइजर रिवर है, फ्रेंच में नीजर बोलते हैं, इंग्लिश में नाइजर बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए नाइजर से नाइजीरिया का नाम पड़ा है. Yeah. So how are you, bro? I'm very well, thank you. Thank you, thank you. Namaste. Namaste. Thank you so much. Nice meeting you. Same here. Wow. Williams. Nami. Thank you very much. You made it very easy. Hello. For you. I'm fine, how are you? Wow, that's wonderful. Yeah. Thank you very much. Thank you, I really appreciate it. From very far, very, very far. I know. So let's go. How do you pronounce your name? Arenga. So guys, ये है Arenga, और इन्होंने मेरे को मिलने के लिए बोला था, और ये कुछ टाइम पहले इंडिया भी गए थे, तो इन्होंने मेरे को बोला. How long you were in India? For like about 5 weeks. 5 weeks? Yes. तो एक महीने से ऊपर ही इंडिया में थे. इन्होंने बोला कि जब मैं इंडिया में था तो बहुत लोगों ने इनकी हेल्प करी इंडिया में. अब ये चाहते हैं कि जो ट्रैवलर्स नाइजीरिया आते हैं उनकी ये हेल्प करें. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? आई डोंट नीड टू टेल यू गाइस. या यू विल नो
about my experience. When you get to my channel, then you see how great India is. I love India so much. What is your YouTube channel name? Aranga TV. Aranga TV. तो इनका भी YouTube channel है Aranga TV. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर सकते हो. आशी लेफू भाई का भी यूट्यूब चैनल है, इनका भी चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो. No. That's J-Boy. J-Boy. Yes, my name is J-Boy. J-Boy. J-Boy at Century Entertainment on YouTube. Okay. Namaste. India has become my second home. India, huh? Yes. And the love shown to me is incomparable. Oh. Yes, I'm telling you. And while I was growing up, as a teenager, I've been dreaming of visiting India. So I actualized that dream. Indian is super duper. That is the slang that we usually use. India is super duper. ये बोल रहे हैं जब मैं इंडिया में था, एक मैंने सुपर, सब लोग मेरे को इनवाइट कर रहे थे, हर कोई मेरे टिकट पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे कर रहा है, इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी मेरे कहीं मिली नहीं. We have an Indian restaurant. That's where I'm trying to take you to. अभी मैं लैगोस में जहाँ रुका हूँ, एक इंडियन फैमिली के साथ रुका हुआ हूँ. और ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में जब निकला तो ब्रेकफास्ट करके निकला, हैवी ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ. लेकिन अभी ये भाई मेरे को कोई रेस्टोरेंट लेके आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं रेस्टोरेंट में, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है. आज का जो प्लान था, हमको लग रहा है इतना लेट होने की वजह से ट्रैफिक में प्लान कैंसिल हो चुका है. आज का जो प्लान था वो कल करेंगे, और आज का आई डोंट नो आज क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले हैं. आज सब कुछ एट अ रैंडम ही होने वाला है. जिस रेस्टोरेंट हम लोग आए हुए हैं, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है. और भाई जी आपका नाम? अरमान. आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं बिहार से. पूरे वेस्ट अफ्रीका में सब ज़्यादा इंडियंस नाइजीरिया में ही है. यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी काफी सारे हैं. आज आप मेरे को क्या खिला रहे हैं? मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, आज आप जो भी खिला दीजिए मेरे को. आज आपको दही के कबाब खिला रहे हैं, जो हमारा स्पेशल है यहाँ का. दही के कबाब. ओके, चलिए. स्पेशल है. रेस्टोरेंट का नाम हरजोइका रेस्टोरेंट है. हरजोइका रेस्टोरेंट है जो जीआरई केजा में पड़ता है. और इंडियन फूड यहाँ पे अवेलेबल है, सारे खाने इंडियन सारे मिल जाएंगे. तो अभी इन्होंने मेरे को ये सर्व किया, ये दही के कबाब है. देखो कुछ ऐसा डिश है ये, साथ में इन्होंने ये सैलेड और ये पापड़ भी दिया हुआ है. काफ़ी गर्म है, खाने में से आवाज़ आ रही है. तो अभी मैं लैगोस में एक बहुत ही बड़ी सुपर मार्केट में आया हूँ. यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ के ड्रिंक मिल रहे हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक. मैं ये वनीला फ्लेवर्ड माल्ट ड्रिंक लिया हुआ हूँ. As a work, what you do as a profession? As a profession, yes, I'm a teacher by profession. Teacher? Yes. Uh-huh. I teach my indigenous language, uh-huh, which is known as Yoruba. Yoruba, yeah? Yes. You belong to Yoruba ethnic group? Yes. Yoruba, okay. Yes, Yoruba. ऐसा बोला जाता है कि पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा एथनिक ग्रुप्स नाइजीरिया में है, 250 से भी ज्यादा. बट यहाँ पे 3-4 एथनिक ग्रुप सबसे ज्यादा है. हौसा, योरूबा, तो यूबू एथनिक ग्रुप से है. चौथा फुलानी भी है, जो अदर पार्ट में था. आप लोगों ने अगर ध्यान हो, सेनेगल में, गाम्बिया में, आसपास के एरिया में. हौसा पूरे वेस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप. हौसा. अचानक से काफी तेज बारिश शुरू हो गई है. देख लो, बिन मौसम की बारिश हो रही है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है. Here where we are is called Ilupeju. Ilupeju, huh? Yes, Ilupeju is where you have most Indians, uh-huh, where most Indians live. Oh, Ilupeju. Ilupeju. Ilupeju, yes. Okay. तो अभी हम लोग Ilupeju में हैं. ये Lagos downtown में center में आता है, और इस area में पूरे नाइजीरिया में, पूरा लैगोस में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं. Most Indians. This is where you see most Indians. नाइजीरिया की इकोनॉमी पूरे अफ्रीका में लार्जेस्ट इकोनॉमी है. इसी वजह से नाइजीरिया की इकोनॉमी को जायंट ऑफ अफ्रीका बोला जाता है. बोल सकते हो काफी मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे अफ्रीका में. काफी इनका दबदबा है पूरे अफ्रीका में, नाइजीरिया का. ऑल्दो लैगोस नाइजीरिया का सबसे बड़ा सिटी है, और इनफैक्ट पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है लैगोस. बट यहाँ का ये कैपिटल नहीं है. नाइजीरिया का कैपिटल है अबुजा. लेकिन टिल ईयर 1991 लैगोस नाइजीरिया का कैपिटल हुआ करता था. या बट हाउएवर लैगोस स्टिल रिमेंस
the most lively states in Nigeria. ऐसा बोल सकते हो जैसे इंडिया में मुंबई है सबसे बड़ा शहर, वैसे यहाँ पर भी लैगोस है. It's like a Mumbai of Africa. Yeah. Mumbai of Nigeria. Yes. Lagos. You get it. You get it. लैगोस को बहुत सारे लोग अफ्रीका का लार्जेस्ट और कुछ लोग अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट सिटी बोलते हैं. रीजन ये है क्योंकि एक सिटी है डीआर कॉन्गो में जिसका नाम है किनशासा, डीआर कॉन्गो का कैपिटल. उसकी पॉपुलेशन लैगोस के ऑलमोस्ट बराबर ही है. लैगोस सिटी की पॉपुलेशन 20 से 25 मिलियन के बीच में है पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन. मतलब की 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग इस शहर में रहते हैं, इतनी बड़ी सिटी है ये. और पूरे अगर नाइजीरिया कंट्री की बात करें तो 220 मिलियन पॉपुलेशन है पूरे नाइजीरिया की. लगभग 22 करोड़ लोग पूरे नाइजीरिया में रहते हैं, उसमें से अराउंड 10% पॉपुलेशन लैगोस में रहती है. तो मॉर्निंग में यहाँ पर मैं लोकल सिम कार्ड परचेस करने गया. MTN था, एयरटेल था यार, दोनों में उन लोग बोल रहे थे यार एक्टिवेट करने में यार 7 से 8 घंटा लगेगा. हमने सोचा कि चलो बाद में लेते हैं. तो इन्होंने फिर मेरे को जबरदस्ती बोला कि आप ये रख लो यार, मैं इससे ले नहीं रहा हूँ. फिर भी जबरदस्ती मेरे को दे रहे हैं जब तक आप यहाँ लैगोस में हो. ये वाईफाई हॉटस्पॉट पोर्टेबल डिवाइस है MDN की, बोले आप इसको ले लो, रखे रहो, सिम कार्ड लगा हुआ है और इसको अब यूज़ करो जब तक यहाँ पर हो, जब जाना तो वापस दे दे रहे हैं इनको. तो मैं अब यही यूज़ कर रहा हूँ जब तक मैं लैगोस में हूँ. थैंक यू सो मच ब्रो फॉर दिस पोर्टेबल डिवाइस. नमस्ते माय ब्रदर. नमस्ते. थैंक यू, यू वेलकम. और यहाँ पर प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड मिल रही है जो कि सारे कंट्री में जैसे होती है, बस फोन में लगाओ चालू है. लेकिन लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है कंट्री में, तो पता नहीं किसके आईडी से वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड मत लो, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है. बाकी कंट्री में तो भाई ले ही लेते थे, ऑन द स्पॉट रोन चालू हो जाती थी प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड. यहाँ पे इससे काम चलाएंगे. तो लैगोस फॉर्मर कैपिटल है नाइजीरिया का और लार्जेस्ट सिटी होने के साथ साथ ये फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है नाइजीरिया का. नॉलीवुड जैसे इंडिया में बॉलीवुड है, इंग्लिश में हॉलीवुड है, यहाँ पे नाइजीरियन फिल्म इंडस्ट्री भी है जिसका नाम है नॉलीवुड. और ऐसा बोला जाता है कि बॉलीवुड के बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर बॉलीवुड. बॉलीवुड अभी भी सबसे टॉप पे है. नाइजीरियन फिल्म, यहाँ की मूवी, यहाँ के सॉन्ग वर्ल्ड वाइड तो फेमस है ही, उसके अलावा पूरे अफ्रीका में उनका रूल है. पूरे अफ्रीका में कहीं भी जाओगे, एवरीवेयर इन अफ्रीका दे वॉच, दे लिसन, या दे वॉच अ मूवी, दे लिसन टू नाइजीरियन म्यूजिक, नाइजीरियन म्यूजिशियंस एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं अफ्रीका में जब से आया हूँ ऑलमोस्ट सब जगह नाइजीरियन सॉन्ग ही बजते रहते हैं, प्ले होते रहते हैं, नाइट क्लब में, कार में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे. यहाँ पे कुछ सिंगर्स है जो बहुत ज्यादा फेमस है, रेमा, yeah, Davido, Davido, Bonaboy, Wizkid, CK, Olamide, CK, and so on and so forth. पूरे अफ्रीका का richest man Nigerian है, Aliko Dangote. He live in Lagos or somewhere? Yes, in Lagos. What is his profession? Yes, he's into business. What everything, business? Everything, just name it, anything, everything. Anything. Yes, cement, yeah, cement factory, banking, and bank. Just name everything. It. Yes, shares everywhere, all over. Every business. Huh? All the things that anything you eat at home. Yeah. Uh-huh. Yes, 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 salt, sugar, yes, salt. Seasoning a lot, just mention it. Nigeria ki economy bahut hi zyada crude oil, petroleum and ye jo oil hote hain is pe based hai. Nigeria ka 90% revenue oil se aata hai. GDP is heavily based on oil. Yes, yes. Nigeria pure world ka 12th largest oil producer hai and 8th largest क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है. यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे ऑयल के वेल पाए गए हैं और पाए भी जा रहे हैं. कुछ टाइम पहले तक इन लोग बहुत सारा ऑयल को इंपोर्ट करते थे, अभी खुद का ही ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं. पेट्रोल यहाँ पे इस वजह से काफी ज्यादा सस्ता है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल हियर? यह इज 165-170. अराउंड 20 रुपए लीटर यहाँ पे पेट्रोल पड़ रहा है. अब बोल सकते हैं पूरे अफ्रीका का वन ऑफ द चीपेस्ट पेट्रोल इन नाइजीरिया. आई थिंक शायद लीबिया सस्ता हो सकता है, एक दो कंट्री और होंगी, नहीं तो सब सस्ता अफ्रीका में पेट्रोल नाइजीरिया में है. इट्स बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई सॉ देयर, दैट्स व्हाट मेड मी टू से इंडिया इज सुपर डुपर, एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज नाउ, अरेंगा इंडिया सुपर डुपर. इफ यू डोंट विजिट इंडिया, यू आर नॉट अ ट्रैवलर, आई एम टेलिंग यू. अरेंगा भी बता रहे हैं जब ये इंडिया में थे, when you were living the house of your host. My host, oh my god, it's like something else. Just everybody in a sad mood. Sad mood, huh? Honestly, and the love was just so strong. मतलब जब इंडियन फैमिली के साथ रहने के बाद वो निकल रहे थे तो बहुत सारी फैमिलीज रो रही थी जब ये जा रहे थे. एज पर मैनी सोर्सेस नाइजीरिया में मुस्लिम और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है.
अराउंड 45% बट अरेंगा भाई बता रहे हैं यहाँ पे नाइजीरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 50% है और 40% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, तो उस तरीके देखा जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है. मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन दे लिव इन द नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया. नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया majority of the northerners are Muslims. About 90-95% of northerners are Muslims. Oh. Eastern part of Nigeria, they are all Christian majority. Oh. About 99%. Oh, but south mein ye mix hai bol sakte ho. Yeah, mix between Christian and Muslims. So guys, अभी मैं सुपर मार्केट गया था क्योंकि भूख लग रही थी. सुबह मॉर्निंग जल्दी निकला था, कुछ खा नहीं पाया था जल्दीबाजी में. तो अभी मैं ये कुछ लिया हूँ खाने का. इसमें योगर्ट है, काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, कोकोनट है, ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, पूरा मिक्सचर है ये, देख सकते हो इसमें लिखा भी क्या क्या मिला हुआ है. और ये 2000 नारा का पूरा मिला के 2200 नारा है, अराउंड 250 रुपीस के आसपास आएगा. तो जब मैं पे करने गया तो ये मेरे को पे नहीं करने दे रहे हैं. व्हाई नॉट अलाउइंग मी टू पे? यू आर आवर गेस्ट. मैंने यहाँ बहुत ट्राई किया, मेरे को पे करने दे ही नहीं रहा है. जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन यहाँ पे हो रहा है. थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच. ओह माय गॉड, नो 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 नो. अरे बोल रहे हैं जब मैं आपके देश गया था तो आपके देश के लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है. सो अशिलेफो, व्हाट वर्क यू डू? आई डिडंट आस्क यू. आई एम अ फ्रीलांसर. आई डू वेबसाइट डिजाइन. ओके ओके. या वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग.